हनुमान जी महाराज तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दूत हैं जिनको कोई मार नहीं सकता, वो अजय है। मां ने अनुमति दे दी, हनुमान जी निकल पड़े। बात की वो आज की कथा पर संक्षिप्त जाएगी, मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा। सभी ने कथा का श्रवण किया है। आज एक ऐसी केंद्र पर पहुंचना है कथा में, क्योंकि आज प्रधान जी ने मुझे आखिरी रात दी है। सुंदरकांड की कथा को उस मोड़ तक ले जाए जिस मोड़ तक आप सुनना चाहेंगे। यद्यपि सुंदरकांड समस्त जितने कथा है उनमें से सब कांड में से अति सुंदर कांड जो है, सभी कांड ठीक है, अपना अपना सोपान जो है, अपना सीढ़ी जो है। देखें आप बालकांड जो है क्या करता है। बालकांड, बालकांड में हम सहजता सीखते हैं, सिंपलिस्ट। उसके बाद में आता है अयोध्या कांड, काकाश्री गुजरत। अयोध्या कांड में क्या होता है, प्रतिज्ञा, अपने उस वचन को निभाने की शक्ति मिलती है अयोध्या कांड पढ़ने से। प्रभु पुलरीत सदा चली, राम जी ने किया था, वाल्मीकि अगस्त आदि जैसे महामुनियों का दर्शन पाया था, उनका आशीर्वाद लिया था। Come on.
का उत्तर जीवन में आपको उत्तर का जवाब जब से जैसे लंगड़े ने आशीर्वाद दिया था ऐसे भैया सीता ने आशीर्वाद दिया। जो हृदय रखो राम जी को अपने हृदय में धारण करो रघुनाथ जी को और जितने मधुर फल है सब खाओ। हनुमान जी गए भाग में और बड़े बड़े राक्षस रखवाली करने वाले थे तोड़ पड़े हनुमान जी पर टूट पड़े। हनुमान जी पर कोई ही टूट पड़ता है आक्रमण करता है तो हनुमान जी तो फिर जवाब देंगे भैया सेल्फ डिफेंस उसको भी आता है इसलिए वो ना उनको बताया अतुलित बल धाम उनके बल की कोई सीमा नहीं और वो कई को मारे कई को मर्दन कर दिया कोई को क्या कर दिया कोई को पेड़ उखाड़ा सब खत्म दो चार बचे भाग भाग करके रावण के पास गए राजा जी के पास गए दुआई हो महाराज दुआई हो बोले क्या बात है बोले एक बाणा आया विकट और वो बन उजाड़ रहा है बोले बन उजाड़ रहा है तो तुम लोग क्या कर रहे थे बोले हमारी बस की बात नहीं इतना भयंकर बाणा है वो इतना सबको मार डाला बन उजाड़ डाला फल खाए कम लेकिन तोड़े ज्यादा। किसी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है कि क्यों हनुमान जी उस बन को तहस नहस करने लगा क्योंकि वो माँ सीता का दर्शन पाना चाहता है और जो पेड़ पाओ उसके आंखों के सामने आ रहे थे सबको तोड़ना शुरू कर दिया ताकि माँ दिखाई दे भक्ति माँ दिखाई दे बस यही उनका लक्ष्य था। कोई अच्छे महात्मा का भाव है अपनी अपनी सबकी बात है और कहते हैं भगवान किस अतुलित बल धाम श्री रामदूत जी जब इस प्रकार से तहस-नहस कर दिया तो रावण ने कहा अपने पुत्र अक्षय को जाओ अक्षय बेटा देखो तो कौन बाणा आया और अक्षय अपनी सेना को लेकर के गया और संक्षिप्त में इस कथा को मैं ले जा रहा हूं कि हनुमान जी महाराज ने उसको भी माल मर्दन कर दिया उसका अविराम नाम सत्य हो गया अक्षय कुमार मारा गया। इस बात को सुनकर के रावण को बहुत दुख पिता को क्यों ना दुख हो पुत्र मारा जावे
इसलिए फिर भी रावण तो रावण ही है, रावण का बल नहीं जाता, रावण का अहंकार नहीं जाता। इंद्रजीत ने पुत्र बड़े जिस पुत्र को कहा जिसका नाम सही तो मेघनाथ है, अरे आप श्रीलंका गए हो, जैसे हमारी टीम गई हुई थी, तो हम लोग जहां माँ सीता की अशोक वाटिका का दर्शन करके जब वापस आए तो जहां पर मेघनाथ ने इस यज्ञ को किया था उस यज्ञशाला में हम गए थे, जो माता गायत्री का जाप उन्होंने उस जगह पर किया है। और अगर हनुमान जी आदि जा करके उस यज्ञ का विध्वंस ना करते तो इंद्रजीत को कोई नहीं जीत पाता इस युद्ध में, स्वयं राम भी शायद इस पे क्योंकि लीला अवतार करने वाले प्रभु राम जी हैं, वो अगर अपने बल का प्रयोग करेंगे तो सबको मालूम हो जाएगा कि यही ब्रह्म है, क्योंकि वो मानुष लीला करने के लिए आए थे ना, उन्होंने कहा था मैया सीता से समय हो गया देवी, बोले क्या शिष्य आज उन्होंने मध्या
ब्रह्मास्त्र को मार दिया। ब्रह्मास्त्र आया हनुमान जी को लगा, फिर भी अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाम देह दंड बल प्रसाद ज्ञानी नाम अंतर करने आज ब्रह्मास्त्र से घायल हो गए। मेघनाथ रस्सी से बांधा, अपने दूतों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में, अपने लंका के उस महान सेनाओं के साथ में बांध बांध करके हनुमान जी को रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। रावण देखा यही मंदिर जो गर्भ से पैदा होते उनका भी पालन करते हैं।
जो अंडे से पैदा होता है उनका भी पालन करता है, जो पृथ्वी पर रहता है उनका भी पालन करता है, जो समुद्र में रहते हैं उनका भी पालन करता है, जो आकाश में चलते उड़ते हैं उनका भी पालन करता है। वही श्री हरि का अंत हो, वही राम जी का अंत हो। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं जानता हूं, मैं सुना हूं तुम्हारा नाम रावण, तुम है कौन मैं जानता हूं। सहस बाहु सर्वपरि लड़ाई, सहस बाहु के साथ में तुम्हारा युद्ध हुआ था और समर बाली सन करी यशता। मैं तो यहां भी सुनाऊं कि तुम बाली से लड़ गए थे एक दिन और बाली ने तुम्हें उठा करके अपने कांख के नीचे दबा लिया था। यहां तक रामायण कहती है कि 6 महीने तक वो बाली के कांख में दबा हुआ था। आप बिल्कुल संशय मत करो, आप का बाली 6 महीने तक खाते से नहीं किया होगा, अगर ऐसे किया हो तो रावण गिर जाता ना। ऐसे भी हो श्रद्धा रखिएगा प्लीज, श्रद्धा बिगड़ गई तो कथा का सब खेल खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये बंदा कैसा बंदा है, 6 महीने तक कोई का हाथ नहीं उठाता, का नहाता नहीं होगा, नित्य प्रतिदिन हो नहाता होगा। अरे भाई 24 घंटा बाद आप नहीं नहाओ देखो तो कैसे है भैया। आप बताइए सबसे महंगा डिओड्रेंट भी नहीं काम करेगी, अतिशय गंदमान पसीना सब निकलता है वहीं से ज्यादा करके, और उन पसीनों के बीच में रावण दबा था कितने दिनों तक मालूम है। मैं तुम्हारी सब बड़ाई जानता हूं, तुम कौन, मैंने सुना तेरा नाम। रावण खिसिया गया और जब खिसिया गया अधिक क्रोधित हो गया, इस बंदर का मैं खत्म कर दूंगा। उदासी हासन से चंद्रहास निकाला अपना और तभी विभीषण महाराज ने रोका उसको, दूध को मारना असली नहीं, दूध को मत मारना क्योंकि ये न्याय नहीं है। यहां तक कि वहां भी युद्ध का नियम का पालन करना चाहिए, कभी भी कोई अगर दूध आता हो संदेश लेकर के उनको मत मारे, इसलिए उनको मत मारे। तो बोले क्या किया जाए इसको, तो किसी ने फिर सलाह दिया, किसी ने बताया कि बंदर का अपना जो पूछ होता है बड़ा प्यारा होता है, उनके पूछ में बड़ा लगाव होता है, पूछ से अधिक प्यार करते हो, इनके पूछ में आग लगा दिया जाए। यही निश्चय कर दिया, रावण अनुमति दे दी और सारा लंका के जितना तेल और कपास और कपड़े जो भी था सब मंगवाया गया और लोग भागने लगे, अपने अपने घरों से सब कपड़े तेल आदि लाने लगे और हनुमान जी के पूछ में लपेटना शुरू कर दे। कभी कभी प्रसंग आता, मैंने बार बार इसको चर्चा किया, हमारे पैठण महोदय प्रचार करते होंगे, रुपेण भैया प्रचार करते इसी सिलसिले में पड़ जाते हैं कि रावण के दरबार में इस लंका में हनुमान जी के पूछ में आग किसने लगाया या नहीं बताया, इस बंदे में नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया है कि सारा लंका का जितने कपड़ा है कपास आदि तेल आदि घृत आदि सब खत्म हो गए और हनुमान जी ने भी माया भी काम किया, खूब पूछ बढ़ाया, भैया बने लगाओ भागो जितना सको काम आएगा, क्यों काम आएगा, बिल्कुल कुछ करने के लिए कमती होगा तो हम कूद नहीं पाएंगे, बड़ा आगे होगा तो हम इधर उधर करके लगाएंगे आगे, और ऐसा ही हुआ। कभी की ममता पूछ पर सभी कहा समझाए, तेल होरी पटवानी मुनि पावक देव को लगाए, लेकिन नहीं बताया कौन महाराज छेजवान लगाया, सिर्फ लगा दिया बस किसी ने लगाया, और आग जब लगा तो पूछ ही न मानर कहा जाई, तब शतनिज ना कहे आही, जिनकी कीन से बहुत बड़ाई देखो मैं तेल की परसा, जिनकी तो बहुत बड़ाई करते हो देखे तेरे पूछ में आग लगेगा वो कैसे बचाएगा तुमको। और हनुमान जी के जब पूछ में लगा आग तो हनुमान जी अब क्या करते हैं देखे तो थोड़ा एक छंद आ गया, छंद को गाएंगे बस एक छंद ज्यादा देर होगा, मैं संक्षिप्त कथा करके आगे निकलना चाहूंगा आज थोड़ी देर के लिए। मैं आपको श्री रामेश्वरम, रमेश भैया आए हैं, रमेश भैया जब आए हैं तो रामेश्वरम का दर्शन करना ही चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर रामेश्वर जाने का फायदा क्या है। आज भाव से सभी बोलेंगे
इसलिए लोग
सनिचर खोजते हैं कि शनि देवता का विप्रकोप हमारे परिवार पर न रहे। हनुमान जी की पूजा, शनिवार का झंडा, रोड और बाकी कार्रवाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भैया मंगलवार बड़ी करना। हनुमान जी मंगलवार को भी अति प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी महाराज ने लंका का विध्वंस करने के उपरांत में बाबा जी ने कहा कि पुनः सिंधु में अपने पूछ को बुझाया, मैया जी के पास गया, सीता जी के पास, वहां अनंत आशीर्वाद दी। और आप सब चालीसा में सुनते हो मुद्रिका हनुमान जी लाए थे पहचानने के लिए। और इधर माँ ने अपने पति देव को एक निशाना दी कि सचमुच हनुमान जी आए थे और मुझे मेरा पता लेकर के ही जा रहे हैं। मेरा यह भेंट है स्वामी, मैं आपके चरणों में ये चूड़ा मणि भेंट करना चाहूंगी। हनुमान को दिया, चाहते तो हनुमान जी वहां सीता को अपने कंधे पर बिठा करके और ले जाते उस पार, लेकिन ऐसी अनुमति नहीं थी। सिर्फ जागरण का संदेश था, आदेश था कि जाओ हनुमान मां सीता का खबर ले आना, उसको ले आना मत। अगर हनुमान जी ले आते हैं तो चपटा एंड हो जाती, रावण मरता नहीं। इसलिए सिर्फ दर्शन पा करके आशीर्वाद लेकर के स्वयं उस सब योजन सुंदर को नाम करके वापस चले जाते हैं जहां इनके बानर से बैठे हुए जामुन आदि बैठ करके इनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझे जयकार करने लगे बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। दिशाओं से जितने सेना वानर सब गए थे, सब धीरे धीरे राम जी के पास वापस आ गए। और इतना थोड़ी देर में जामवंत का ये जो दल था वो भी पहुंचा श्री राम जी के चरणों में। सब बारी बारी से चरण मस्तक नवाए और हनुमान जी धीरे से गए, बड़ा प्यार से गए, चुप बैठे। राम जी बोला कि हनुमान जी आप भी आइए ना। हनुमान जी चले गए श्री राम जी के चरणों में और बार बार राम जी को उठाना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। गदगद प्रेम मगन होकर के राम जी ने बरबस उठाई ही दिया, हनुमान जी को अपने छाती से लगाया। तुम मम प्रिय, मेरा प्रिय है तू, तुम मम प्रिय भारत सम भाई। अरे भाई, रामायण में इसका स्पष्टीकरण आता है कि जब चीर भी चरु निकला था ना अग्नि से, तो हाथ में लेकर के सुमित्रा जी ऐसे खड़ी थी, तो उस समय के पीछे मगर चीर उड़ता उड़ता आया और उनके हाथ से एक भाग का चरु जो खीर है वो उड़ गया लेकर और ले जा रहा था। तो उसी समय अंजना मैया हनुमान जी की माता जी प्रार्थना कर रही थी सूर्य भगवान का अर्घ आदि दे करके, और उसी समय वो चील से वो चरु गिरा और इनके इसलिए राम जी के छोटे भाई हनुमान जी तुम मम प्रिय भरत सम भाई, इसलिए तू मेरा भाई भी है, मेरा दूत है, मेरा प्रिय है, मेरा
क्या क्या है बताओ ना आपको मैं आपका कैसे पढ़ाई करूं। कपि से मोरी नाम नाई भरत भाई कपि से मोरी नाम। अंत में उत्तरकांड में राम जी ने स्वयं अपने मुखारों बिंदु से भरत को कह दिया कि कपि जैसा उसका ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। इतने सारे ऋण हम पर चढ़ा दिए हनुमान जी कैसे उतार पाएंगे इनका ऋण। इसलिए हे भरत कपि से पूर्ण हम नाई। आज भैया सीता का खबर लेकर के राम जी के चरणारविंद में गए सभी हर्ष उल्लास के साथ में और विचार करने लगे कि अब क्या होगा। निकल पड़ते हैं अब सब उस जगह पर जहां से सेतु का निर्माण होने वाला है। पहले तो राम जी गए समुद्र तट पर बैठे क्योंकि इस महान सागर को देख करके राम जी विचार करने लगे कि क्यों ना प्रार्थना करी जावे कि हम समुद्र देवता से प्रार्थना करें कि हे समुद्र देवता हमें आप मार्गदर्शन दो, आप मार्ग दो ताकि हम लंका पर चढ़ाई कर सके अपनी सेना को लेकर के। एक दिवस बीत गया लक्ष्मण जी उतावले हो रहे हैं, दूसरा दिन बीत गया लक्ष्मण जी बड़े उतावले हो रहे हैं। अब उसको तो चाहिए चाहिए कि कब आक्रमण करें कब भाभी जी को वापस लावे। तीसरा दिन बीत गया, तीन दिवस तक कभी शायद सुभाष भैया तुम्हें याद हो भाई लगभग 10 साल पहले की बात है आप एक जगह पर बैठे हुए थे, हम लोग इसी प्रसंग को कह रहे थे, पता नहीं याद है आपको कि नहीं याद है। सुशील भाई के घर पर हम लोग बैठे थे, आपने मुझसे प्रश्न किया था 10 साल पहले की बात करी कि आपने पूछा ये 3 दिवस तक क्यों, सिर्फ 1 दिवस क्यों नहीं 5 दिवस क्यों नहीं, ये 3 दिवस तक राम जी ने क्यों समुद्र से प्रार्थना करी। राम जी मर्यादा का धारण करने वाले, राम जी कहते एक क्षमा दूसरा क्षमा करो और तीसरा गलती का क्षमा करो, चौथे पर नहीं। आदमी बार बार जान बूझ नर करे बिटाई डूबत जाए थामा नहीं भाई। इसलिए एक गलती सबको क्षमा है, दूसरा गलती भी क्षमा है, यहां तक कि तीसरा अपराध भी क्षमा है, चौथा पर वार करो। चौथे पर उनको कुछ सीख मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस कारण से चल चल संकीर्तन हम सुनेंगे भाव से और उसके बाद में कथा थोड़ी सी मैं पढ़ा रहा हूँ आगे और ठीक 9 पर हमारा कथा विराम देंगे।